अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ कश्मीर। नाजरीन, कश्मीर में पिछले कई दिनों से सियासत में एक नई हलचल देखने को मिलती है। इस दौरान बहुत से चेहरे जिन्होंने सियासत का रास्ता चुन लिया है, इस दौरान कश्मीर के फार्मर आईएसटॉपर जिन्होंने हाल ही में अपनी नौकरी को अलविदा कहकर सियासत का रास्ता इख्तियार कर लिया और कुछ दिनों पहले अपनी एक नई पार्टी तश्कील दी जिसका नाम जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी है। अपनी नई पार्टी को तश्कील देने के बाद उन्होंने पहला दौरा वादी लोलाब के दूर दराज गांव कलारूस नागसरी में किया, जहां पर लोगों की भारी भीड़ को देख के डॉक्टर शाह फैसल ने उनसे खिताब करते हुए कहा, अगरचे पहले ही कुछ सियासतदान यहां से जीत के गए, लेकिन अभी तक डेवलपमेंट के हवाले से यह एरिया कोसों दूर है। उन्होंने लोगों से दरख्वास्त की कि हम पर भरोसा करके आप हमें एक बार मौका दें और इंशाल्लाह हम आपके उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे। अपने खिताब के दौरान उन्होंने लोगों से क्या कहा, आए सुनते हैं उनकी जबानी। तमाम इलाकों से हमें दावतें आ रही हैं कि हम इनपुट इलाकों में जाएं और वहां पे अपनी रैली करें। जब हमने फैसला किया कि पहली रैली मुझे अपने इलाके में भी करनी है, श्रीनगर में हमारी रैलीस हो गई, बड़े बड़े इवेंट्स हो गए, तो बहुत सारी चॉइसेस थी। पहले बोला कि हम फलानी गांव में करेंगे, फलानी कस्बे में करेंगे, फलानी शहर में करेंगे। फिर एक अजीब बात यह हुई कि मेरी मुलाकात रशीद साहब से हुई, उन्होंने कहा कि आप अपने इस सफर की शुरुआत, और आपको पता है ये सफर लोलाब तक महदूद नहीं है, ये सफर पूरे कश्मीर में, पूरे जम्मू में, पूरे लद्दाख में इस वक्त चल रहा है और हमारी रियासत से बाहर भी इसको बहुत ज्यादा आबियारी मिल रही है। तो जब इन्होंने कहा कि नागसरी आप आ जाइए, सब ने कहा कि नहीं, शायद वहां पहला जो इवेंट होगा शायद वहां करना मुनासिब नहीं होगा, लोग ज्यादा नहीं होंगे। मैंने बोला लोगों की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे क्राउड नहीं दिखाना, किसी को हमें किसी को कुछ दिखाना नहीं। मैंने कहा हम पहला जो इवेंट होगा इस कारवां का वो नागसरी, बिकॉज हम वहां देखेंगे, बिकॉज एक मैसेज है हम किन लोगों के लिए इस सफर में शामिल हुए हैं, हम यहाँ पे पैसे बनाने के लिए आए हैं, हम यहाँ खुशी लेने के लिए आए हैं, कि हम लोगों की खिदमत करने के लिए आए हैं। मैं आज से करीबन 5 साल पहले डॉक्टर साहब के जिले का DC था और वहां मुझे पहली बार शायद मौका मिला कि मैं जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो पहाड़ी तबके के लोग होते हैं, जो गुजर बरादरी के लोग होते हैं, जो माहीगीर होता है, उनके साथ मुझे बहुत क्लोजली देखने का मौका मिला कि इनकी जिंदगी क्या है। जब हमारे पास लोग आते थे, कुछ मामूली सी चीज मांगते थे, कोई रास्ता मांगता था, मैंने आपके इलाके का रास्ता देखा, मेरी गाड़ी बहुत पावरफुल गाड़ी है, नहीं चढ़ पाई, मैं इनसे गाड़ी में कह रहा था कि हमारी गाड़ियां नहीं चढ़ी, इतनी पावरफुल गाड़ियां, इनकी गाड़ियां कहां चलती होंगी, इनकी जो एम्बुलेंस है वो यहां कहां जाती है। मैंने लोगों से पूछा कि आपकी मुश्किलें क्या है, कोई मुझे आता कहता रोड दे, कोई बोलता कि हमें छोटा सा ट्रांसफार्मर चाहिए 25 KV का, कोई कहता था हमारे हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं, हम कोशिश करते थे दे दें, आप बिलीव करेंगे, मेरी जिंदगी में ऐसे तजुर्बे हुए हैं कि एक इलाके को मुझे पानी देना था और एक मिनिस्टर ने मुझे फोन किया और मुझे ये कहा कि ये इलाका मुझे वोट नहीं डालता है, इनको पानी दे। जिस यजीदी सियासत की डॉक्टर साहब ने बात की, उस यजीदी सियासत को मैंने बहुत क्लोजली देखा है कि सियासत की बुनियाद पे हम कैसे लोगों को उनके हुकूक से दूर रखते हैं। ये यहाँ पे नरेगा, ये यहाँ पे CDF देके जो हमें 10,000 रुपए 5,000 रुपए दिए जाते हैं और उसकी बुनियाद पे हमारा ईमान बेचा खरीदा जाता है, मेरा यकीन कीजिए ये सारी चीजें जो है ना, ये आपका हक है, इस पर सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नरेगा का बंड, CDF का 10,000 रुपए का पैसा, 15,000 रुपए का IAY, आपका सोशल वेलफेयर का पैसा, ये आपका हक बनता है, इस पे किसी की उजारादारी नहीं होनी चाहिए। कोई आपको ये वादा दे दे कि मेरे साथ आइए और कुरान पे हाथ रखिए मेरे साथ और फिर कहिए कि मैं इसके बदले में आपको 10,000 रुपए का बंड दे दूंगा, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि कुरान शरीफ का इस्तेमाल करके, मजहब का इस्तेमाल करके, आपके जज्बात का इस्तेमाल करके, जिस तरह से सारी कम्युनिटीज को यहाँ पे पीछे रखा गया है, ये बहुत ही तशवीश आयद बात है। और मुझे अपनी जगह जब मैं सोचता हूँ
मैं सोचता हूँ कि मैं क्या करता, मैं बड़ा ऑफिसर बनता, डीसी बन गया था 5 साल पहले, उसके बाद मैं कमिश्नर बन गया। मैंने सोचा मैं और बड़ा अफसर बनूंगा, अब जम्मू जाऊंगा, उसके बाद दिल्ली में पहुंच जाऊंगा। लेकिन जो ये लोग हैं, जो ऐसे दूरदराज इलाकों में रहते हैं जिनके पास मैं पहुंच भी नहीं पाता हूँ, मेरे पास खुद तो बड़ी सारी गाड़ियां हैं, मेरा बच्चा दिल्ली में होता है, मेरा बच्चा अमेरिका जाता है, लेकिन जो ये बच्चे आपके हैं इनका मुस्तकबिल क्या होगा? गरीब का बच्चा गरीबी रहेगा, मजदूर का बच्चा मजदूरी रहेगा, गुज्जर बरादरी का बच्चा उसको फिर वहीं पे बैठ के वहां पे मस्जिद का इमाम ही बनना है। हम इसको तब्दील करने के लिए, वो सब लोग जो इस कारवां से जुड़ रहे हैं वो सब चीजें छोड़ के आए हैं। यहाँ पर रशीद साहब ने एक बहुत बड़ा रिबेल का काम, ये रिबेलियन का काम, बगावत की है। बगावत इसलिए की क्योंकि हमारे कहीं पे लिहाज की बात आती है। पहले हम बोलते हैं हम किसी के साथ चले हैं, थोड़ी देर तक अगर वो सच है, झूठ है, हक है, ना हक है, तभी साथ देना है। कभी ऐसा होता है हम कहते हैं कि चलो अपनी बरादरी का है, कभी ये कहता है हमारी जुबान उससे मिलती है अगर जुल्म ही करना है। मगर मेरा यकीन कीजिए, रशीद साहब ने जो आज बगावत की कलम यहाँ पे खड़ा की है, ये पूरी रियासत इसको देख रही है। ये सिर्फ लोलाब की बात अब नहीं है, नागसराय से जो आज परचम आपने लहराया है तब्दीली का, ये तब्दीली आप देखेंगे आपकी जिंदगियों के साथ साथ इस रियासत के बाकी इलाकों के लोगों की जिंदगी में भी आएगी। मैं आपको, मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, ये फिरोज पीरजादा साहब है, बम्बे में होते थे, यहाँ से फिल्म का एक्टर बनने के लिए कुछ साल पहले, उसके बाद वहाँ पे अल्लाह ताला ने उनको बहुत कामयाबी दी, बेपनाह दौलत कमाई। आज से कुछ महीने पहले मुझे कॉल किया, बोला मुझे सारी पार्टियाँ मैंडेट देती हैं, कहती हैं आप आ जाओ और आप MLA बन जाओ, सुपोर से ताल्लुक रखते हैं। बोला मगर मेरा दिल नहीं मानता, जिन झंडों के नीचे लोगों का इस्तेमाल हुआ है, जिनकी वजह से लोगों की जानकारी हुई है, जो वादे झूठे हुए हैं, जब रास्ते नहीं बने मैं उनके साथ नहीं जाऊँगा। मैंने कहा आपका खैर मकदम है हमारे साथ, डॉक्टर साहब की बात आपने सुनी, ये चस्पीदा है, हमारे इलाके से ताल्लुक रखती है, यहाँ पे गन बुक से इनका ताल्लुक है, एक बहुत ही सक्सेसफुल मैगजीन चलाती थी, जर्नलिस्ट है, कश्मीर में बहुत बड़ा नाम है। कहा मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ करने के लिए आऊँ। यहाँ पे फिरोज वानी साहब है, कई सारी पार्टीज ने इनको मैंडेट देने की बात, बिलीव कीजिए, इसने कहा मुझे इस बार मैंडेट नहीं, मैं वोट डिवाइड नहीं करूँ, हम इस बार एक तब्दीली लाएंगे, एक नया मौका दे देंगे, नई आवाजों को आगे आने का मौका दे देंगे, ताकि जो हमने आज तक के झूठे वादे देखे, आपके बच्चे को आज भी श्रीनगर आके वहाँ आना पड़ता है और वहाँ पर डिलीवरी आपके इलाके में डिलीवरी होती है 7 साल बाद, कि कौन सी भी तो रसवाई की बात। मुझे शर्म आती है सोच के, क्या हम छोटी से छोटी कुछ चीजें हुई है। देखो मैं चीजों को जुटलाने में यकीन नहीं रखता, आपका रेस्ट हाउस बना है बहुत अच्छी बात है, हम उसकी तारीफ करें, लेकिन 7 साल बाद जिस तरह की फैसिलिटीज आपकी जिंदगी में होनी चाहिए, आपको नौकरी के लिए, मुलाजमत के लिए यहाँ पे जो मौके होने चाहिए, आपको इज्जत से जो आपकी रोटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, यही सब करने के लिए हम अपनी नौकरियाँ छोड़ के आए हैं। हमें ना आपसे पैसे चाहिए, हमें ना यहाँ पे पावर चाहिए, मुझे अगर दूसरी पार्टी में जाना होता वो मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं कई महीनों से कि आप आ जाओ और मेंबर पार्लियामेंट बन जाओ और मिनिस्टर बन जाओ, हमें वो ना, अगर मुझे पावर चाहिए फिर मैं अपनी नौकरी में बहुत बड़ी नौकरी कर रहा था जम्मू कश्मीर लेवल पर, मुझे नहीं चाहिए थी। हम चाहते हैं इस कुर्बानी के जज्बे को आप अप्रिशिएट करेंगे, आपने खुद कुर्बानी दी है आज ये सोच के कि आपने कुछ छोड़ा है, और उस छोड़ने के बाद आप हमारे साथ आए हैं। मैं आपको वादा करता हूँ इंशाल्लाह कि ये जो साथ आपका है ये आगे चलेगा, और आप देखोगे तब्दीली इंशाल्लाह आएगी। मैं आपके गाँव में, आपके घरों में रहूंगा और आपके साथ बैठूंगा। मैं श्रीनगर छोड़ के इसलिए आया हूँ ताकि आपके घरों में बैठ के आपके बच्चों की तालीम खुद देखूँ, आपके बच्चों की हेल्थ खुद देखूँ, खुद देखूँ कि क्या आपकी जिंदगी बदल सकती है कि नहीं। यहाँ पे बिजली आज भी नहीं है, हमने सोचा कि हम पावर का स्टेशन यहाँ पे बनाएंगे, मेरा यकीन कीजिए। वो शायद, ये शायद बाद में थायन में करना चाहूँगा। हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी आपकी कभी हो जाए, हम कोई बाबू के सौदागर यहाँ पे नहीं आए, कोई वो जमात नहीं है जो इलेक्शन से पहले आपके पास वोट देने के लिए आएगी और उसके बाद गायब हो जाएगी। हम बहुत चीज़ें छोड़ के आपके पास आए हैं, इसका एहसास आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। आप आज आपने ये कारवां यहाँ से शुरू किया, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग मिलके, मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ, मेरा फ़ोन नंबर आप हर किसी को रखना, कभी आपके साथ कोई ज़्यादती करे मुझे फ़ोन करना, फिर देख लेना। यहाँ पे अल्लाह ताला की मदद से और हमारी कोशिशों की वजह से अगर आपके काम नहीं हुए, मेरे साथ आप अगली बार बात करें, ठीक है? एक मौका दे दीजिए और फिर देखिए इंशाल्लाह इस कारवां को पूरी रियासत में हम कैसे आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।